कार्ड ग्रांट किया तुसी ज्यादती करन लो, इस प्रोग्राम नो रिमूव करो। हुण उन्हां दी वारदात दा तरीका कर वेखो कि उन्होंने जिहड़े बंदे बोलन वाले सन ना उन्हां सारे बंदे नूं उन्हां दावत दे के ते उन्हां नूं प्रोग्राम दे विच बुलाया कि यानी इह ते चुप रहन ना करन के एक दफा सोचन के तुसी ना, उह मीडिया दे आ के ना गल करन लगे किसी भी जगह ते। अच्छा मजेदारी की गल वेखो कि वह साहब जदों बाबा गुरु नानक के बारे दसन डे ने ना गल्लां बातां, हुण वह मुसलमान है सही भी पहले नंबर से, तो तुहानूं मुसलमानी का पूरा पता होना चाहिए अगर तुम मुसलमान हो, बुनियादी जिहड़े अकायद ने बुनियादी जिहड़े तुहाडे मजहब दीआं चीज़ां ने वो तो तुहानूं पता होनी चाहिए। वो जिते गल आती है ना अपने मजहब की, तुम प्रोग्राम सुनोगे तो तुम आप दसोगे कि जिते आती है गल अपने मजहब की, तो उत्थे साहब हो रही आने आई थिंक सो अरे पता ना कि भाई इतने मैं कोई थोड़ी जी भी उन्नी भी की तो दिल से कैमरामैन ने मैं इतने। अच्छा अपने बारे जो तू इन एहतियात बरतन दे मुसलमान पहले नंबर से, तेनों लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई थिंक सो तेनों 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी तू गल कर रहा क्योंकि मुसलमान है तू, लेकिन दूसरे के बारे में तू इन्नी जरूरत करी जानने कि तू वो सवाल करना नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो एक उनका जो फलसफा था वो बुनियादी तौर पर फिलासफर थे वो ऐसे थे, यानी स्लो पॉइजनिंग तुम देखो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह होंगी है कि पहला उन्होंने फ्रीडम फाइटर सन उन्होंने जिक्र किए वारी वारी राजे दे विच, राजे दे कई लगे फिरदे ने लेकिन महाराजा धरती से एक ही होया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, तो लिहाजा तुम महाराजा कहो राजा ना कहो, यह उन्होंने इतराज आया भी प्रोग्राम ये किया, आवाम इनगेज हो गई, आवाम सुनना शुरू हो गई, इस तो अगे जाके उन्होंने बाबा गुरु नानक से प्रोग्राम कर दिता जिहड़ा कि मैं समझना वा कि किस सूरत भी सही नहीं सी, क्योंकि वेखो जिथे तक महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र है जिथे तक जिहड़े साडे हीरोज ने पंजाब के फ्रीडम फाइटर जिन्हें भी ने उन्हों का जिक्र है वह एक तारीख है। वेखो अगर तुम बाबा गुरु नानक से प्रोग्राम करना है वो थानू कोई ना कोई जिहड़ा ना उधरों का एक पक्का हैड यानी हाई रैंक का बंदा, मैं हुण हैड ग्रंथी नहीं कह रहा, पता नहीं हैड ग्रंथी हुंदा हाई रैंक ते या कथादान हुंदा या कौन हुंदा, मैनूं उहदा नहीं कमेंट्स राही तुसीं मेरी भी सलाह कर दिया जी, यानी कि जो भी एक माहिरे अलूम है ना उन्हां दा वह बंदा होना चाहिए सी ते वह आके अगर ते तुहाडी नीयत है सी कि लोगों नूं सिखिज़म दे बारे च दसना बाबा गुरु नानक दे बारे दसना ते फिर उहनूं लिआंदे तुसीं एक हिस्ट्रीदान नूं बिठा के उहदे सामने तो तुसीं उहनूं सवाल करना शुरू कर, मीडिया दा जिहड़ा वार है ना उह तुहाडी मेरी समझों बाहर हो जांदा, सानूं पता उदों लगदा जदों उहदे असरात जाहिर होना शुरू हुंदे ने। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, अज तो 15-20 साल पहलां तक ना मीडिया जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया वो आजाद सी ते आवाम खामोश सी, लेकिन हुण वक्त जिहड़ा ना वो खामोशी का नहीं, अगे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़ी भी कोई चवल मारदा सी जिहड़ी भी कोई झूठी खबर फैलांदा सी ते असी एक दूसरे नाल ते गल कर सकने थां थड़ियां ते चौकां दे विच किधरे फूड़ियां ते बह के सत्थर ते बह के ते गल कर सकने हां, लेकिन मीडिया नूं लगाम नहीं सा पा सकदे। लेकिन हुण वक्त बदल गया, हुण जिवें मेरे हाथ च मोबाइल है, मैं हर बंदे दे हाथ च मोबाइल है, जिथे जिन्हों भी गल कोई चंगी माड़ी लगती है जिथे कोई समझदा कोई झूठ फरेब ना काम लैन डिया आवाम फौरन तो पहला अपना मोबाइल कढ दी है ते उत्ते अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा छड्डदी है, वो कईयां दा एहतजाज ते अगे तक पहुँच जांदा है ते कईयां दा उत्थे दब जांदा, लेकिन वह अपने हिस्से की शमा जरूर जलाई जांदे ने। मैं जिहड़े मौजू ते अज गल करन लगा मौजू बड़ा अहम है, एंड तक पूरी वीडियो सुनिया जे ते बिलखसूस जड़े ओवरसीज साडे सिख वीर ने या चढ़दे पंजाब दे इस तरह लेदे पंजाब दे भी सारे साथी, क्योंकि अद्धी गल सुनोगे तो वह गल दा मेरा मकसद भी पूरा नहीं होना ते तुहानू भी गल दी समझ नहीं लगनी। दोस्तों मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, मैं मीडिया के किरदार से एक दफ़ा पहला भी मिसाल दी सी कि वेखो वह टाइटैनिक जिहड़ा डुब्या अज तो सदियां साल पहला ते उहदे विच दस दिन कोई 4,000 बंदा तकरीबन को मर गया सी, लेकिन क्योंकि वह पुराना वाकया सा नहीं सी वेख्या सानू तो फिल्म राही पता लगा जदों टाइटैनिक फिल्म आई तो उस फिल्म दे विच भी उन्हें बंदे मरदे विखाए ने, लेकिन जदों बंदा फिल्म वेख रहा हुंदा ना तो तुसीं गौर कीता होना कि बंदे दी दुआवां ही हुंदियां ने जदों हीरो डुब रहा हुंदा हीरोइन डुब रही हुंदी है तो बंदे की कोशिश ख्वाहिश ही हुंदी है कि किसी तरह हीरो हीरोइन बच जाए, पिछे बंदे डिग रहे होंदे ने को जहाज तो उत्ते छालां को थल्लों छालां पानी वड़ रहा सारे खाने उहदे फुल होंदे ने, लेकिन उन्हां दी सानू परवाह नहीं हुंदी, सानू परवाह सिर्फ उहदी हुंदी है जिहड़े ते सानू कैमरे ने फोकस कराया हुंदा कि यह हीरो है ते यह हीरोइन है, बस असीं उहनां नूं वेख रहे हुंदे आ, यानी कि जिस पासे भी सानू मीडिया लाना चाहे ना तो साडी पूरी तवज्जो उस पासे लग जांदी है दूसरे पासे नहीं लगदी, तो मीडिया का जिहड़ा वार है ना वह तुहाडी मेरी समझों बाहर हो जांदा, सानू पता उदों लगदा जदों उहदे असरात जाहिर होना शुरू हुंदे ने। मैं जिस प्रोग्राम नूं लै के या जिस गल का रैफरेंस देन लगा तुसीं थंबनेल दे विच भी वेख लिया होगा, ज़ीशान हुसैन साहब ने बड़े अच्छे जिहड़े ने वह तारीखदान ने उन्हां दे प्रोग्राम मैं भी बड़े शौक नाल वेखना वा,
यूट्यूब से भी इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आन देने एक प्रोग्राम करते हैं साडा पाकिस्तान का एक निजी चैनल है प्राइवेट चैनल वो उत्ते नाम इस वजह तो नहीं चैनल का लै रहा तो फिर होर मसले मसाइल होंगे ने लेकिन जिन्होंने वेखे ने प्रोग्राम वो सारे जानते हैं। अच्छा उस प्रो उस जो चैनल है उन्हें कैसी वारदात पाने की कोशिश की है मेरी नज़र के मुताबिक हो सकता मैं गलत भी होव अपने कमेंट्स राही जवाब दे जे जरूर कि भाई तू सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है असल गल इस तरह की नहीं जे अगर मैं कोई गलत गल की उन्हें अपने चैनल के ना कोई दो तीन नाँ रखे ने किधरे उन्हें रखे है पंजाब यानी चैनल का नाँ लेके किधरे उन्हें रखे है डिजिटल किधरे उन्हें रखे है पंजाबी। अच्छा उन्हें जिहड़ा पंजाब जिस चैनल का नाँ रखे ना उत्ते पाकिस्तान के जिन्हें भी फेमस वो ने ना यूट्यूबर यूट्यूबर की टिकटॉकर की जिहड़े वो लोग जिन्ह का इनफ्लुएंस साडा चढ़दे पंजाब बहुत ज़्यादा जिन्हों आवाम उधर की पसंद करती है उन्हें सारे वो बंदे वारी वारी सदे जिन्हों की आवाज़ चढ़ते पंजाब तक जाती है वह बंदे खास तौर पर तो बड़े मशहूर मारूफ बंदे भी उन्होंने सारे उन्हें सारे बुलाए उन्होंने प्रोग्राम किया मैं भी वो सारी टीम को कंग्रेचुलेशन का मैसेज किया होर भी लोगों ने बड़ा किया बड़ा सराहया उन्होंने इस काविश में कि यार इन्होंने पंजाब तो पंजाबीयत की गल की है पंजाब की आवाज़ बुलंद की है पूरा सैटअप उन्होंने एक पंजाबी कल्चर का लाया उन्होंने तो हजे भी उन्होंने प्रोग्राम वो जारी सारी ने पंजाब तो रिलेटिड वो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके। अच्छा उस चैनल का एक होर भी शुभ है वह ना है डिजिटल चैनल के नाम के नाल अगे लगता डिजिटल वो चलती है पोडकास्ट जिहड़ा मैं अगे नाम लिया ज़िशान हुसैन मैं खुद उन्हों का बड़ा फैन हाँ बाल वाला के नाम तो उन्होंने यूट्यूब चैनल से तो कमाल की हिस्ट्री दस दिन उन्होंने लाहौर दियाँ जगह वो मकामात उन्होंने विखाए ने सानू जे असी इस तो पहला नहीं सन वेखे तो मुकम्मल हिस्ट्री के नाल उन्होंने सानू दसे ने ज़िशान साहब नाल माजरत दे नाल ते बाकी साथियों नाल भी मैं गल करना चाहवागा वेखो जिहड़ा इमाम मस्जिद हुंदा है या हैड ग्रंथी हुंदा है या जो भी सिख मजहब दे विच जिहड़े गुरद्वारियां दे विच सब तो हाई रैंक ते हुंदे ने कथा पढ़न वाले या जो भी वो जरूरी तो नहीं कि नाल वो माहिर हिस्ट्री भी होन ये कोई फर्द नहीं क्योंकि उन्हां दा काम है ग्रंथ पढ़ना मौलवी उलमा दा काम है दीन दीआं किताबां पढ़नियां कुरान नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ना ते दूसरां नूं समझाना लेकिन वो ये नाल हिस्ट्रीदान भी अच्छे होन जरूरी नहीं वो साइंसदान भी अच्छे होन जरूरी नहीं कोई ड्राइवर कुछ भी यानी हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का मास्टर होंदा ना जी तो यह कोई जरूरी नहीं कि वो भी अच्छे होन हुण जिहड़े ज़िशान हुसैन भाई ने वो बहुत अच्छे हिस्ट्रीदान ने बड़िया बड़िया जिस तरह मैं दसिया ना उन्होंने वो चीज़ा एक्सप्लोर करके सानू विखाईआं ने तो उन्होंने बारे च उन्होंने इनफॉर्मेशन दी है कि जिहड़ी जिहड़ी सानू इस तो पहला नहीं सी तितरियां नू भी शायद पता लग गया तो वह भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही ने मैं किस मौजू तक गल कर लगा। अच्छा उन्होंने उन्होंने बुलाया एक प्रोग्राम के मुख्तलिफ उन्होंने प्रोग्राम किए यानी स्लो पॉइजनिंग तुसी वेखो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह होंगी है कि पहला उन्होंने जिन्हें भी फ्रीडम फाइटर सन उन्होंने जिक्र किए वारी वारी फिर उन्होंने रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा महाराजा रणजीत सिंह का जो उन्होंने जिक्र किया अपनी पोस्टकास्ट के थले कमेंट्स आना शुरू हो गए कि तुम सिर्फ राजा रणजीत सिंह कह रहे हो ये मैनू भी एक दफ़ा आया सी कमेंट तो तुम महाराजा रणजीत सिंह आखो राजे राजे तो कई लगे फिरते हैं लेकिन महाराजा धरती तो एक ही होया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो लिहाजा तुम महाराजा कहो राजा ना कहो ये उन्होंने इतराज़ आया भी। अच्छा इस तो अगे उन्होंने की किया कि एक प्रोग्राम ये किया आवाम इनगेज हो गई आवाम सुनना शुरू हो गई इस तो अगे जाके उन्होंने बाबा गुरु नानक से प्रोग्राम कर दिता जिहड़ा कि मैं समझना वा कि किस सूरत भी सही नहीं सी क्योंकि वेखो जिथे तक महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र है जिथे तक जिहड़े साडे हीरोज़ ने पंजाब के फ्रीडम फाइटर जिन्हें भी ने उन्हां दा जिक्र है वो एक तारीख है वो जो मैं लिखिया वो मैं जो मैनू पता लगा मैं लिख दिता जो तुहानू पता लगा तुसां लिख दिता जो गोरे ने वेख्या गोरे ने लिख दिता उहदे विच ते इख्तलाफ हो सकदा तो इख्तलाफ राय नूं असीं बर्दाश्त भी करना चाहिए। अच्छा उन्हां हुण एक पूरा प्रोग्राम किया बाबा गुरु नानक ते ते बिठाया उन्हां नूं ही अगे सामने जिहड़ा कि मैं समझना वा कि इंतहाई ज्यादती है वेखो अगर तुसीं बाबा गुरु नानक ते प्रोग्राम करना है वो तुहानू कोई ना कोई जिहड़ा ना उधरों का एक पक्का
हैड यानी हाई रैंक का बंदा, मैं हूँ हैड ग्रंथी नहीं कह रहा, पता नहीं हैड ग्रंथी होंगे हाई रैंक से या कथादान होंगे या कौन होंगे, मैनू ओदा नहीं कमेंट्स राही तुसी मेरी भी सलाह कर दिया जी। यानी कि जो भी एक माहिर अलूम है ना उन्होंने वो बंदा होना चाहिए सी, तो वह आके अगर तो थोड़ी नीयत है असी कि लोगों को सिखिज़म के बारे दसना, बाबा गुरु नानक के बारे दसना, तो फिर उन्होंने लिया तुसी एक हिस्ट्रीदान नूं बिठा के उहदे सामने तो तुसी उहनूं सवाल करना शुरू कर दिओ। सवाल करन वाले एक भट्ट साहब ने, वह भी हल्की जी उम्र दे ने, उन्हें भी सुनिया सुनाइया गल्लां, उही उन्हां अगे सवाल कीते तो उही उन्होंने अगों जवाब दिते। वेखो बतौर मुसलमान मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मामले च किन्ना सेंसिटिव हाँ या पूरी उम्मत मुसलमान किन्नी सेंसिटिव है, ये एक मुसलमान तो बेहतर कोई नहीं जानता। असी किसे बंदे दी भी कोई ऐसी गल हाँ अगर कोई तारीफ करता हो ते असी ठीक है सुन लवेंगे, लेकिन तारीफ के दौरान उस बंदे नूं नहीं पता कि कित्थे बेअदबी हो सकती है, ये साडा मामला ना, सानू पता बेहतर, असी उन्हें ऑबजर्व करांगे कि दरिया बेअदबी वाला मामला। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी जी भी बेअदबी अगर सानू नज़र आती होगी ना, असी फौरन एहतजाज करांगे, साडी दिल आजारी होगी कि यार गल इस तरह की नहीं सी है जिस तरह इन्हें फैलाई, इन्हू नहीं सी इस तरह की गल करनी चाहिए। अच्छा यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हाँ कि अगर असी अपने मामले के विच इन्ना सेंसिटिव हाँ तो सानू दूसर के मामले च भी इन्ना ही सेंसिटिव होना चाहिए। साडा दीन सानू यह कहिंदा है कि तुसी किसी के मजहब नू बुरा ना कहो, किसी के मजहब से तनकीद ना तुसी करो, तुसी किसी के करोगे तुहाडे ते करनगे, ते तुसी अपने नू सच्चा समझ के उहदे ते लगे हो ना ते तुहानू तकलीफ होएगी, लिहाजा तुसी किसी के मजहब नू ना छेड़ो। हुण मेरा इत्थे वीडियो रिकॉर्ड करन दा मकसद है सी कि इह उहनां दी इंतहाई ज्याती है कि जी उन्होंने बाबा गुरु नानक नूं डिस्कस करन वास्ते एक तारीखदान नूं बिठा के ते उहदे कोल मैं सारी हिस्ट्री, उहदे थले सिख वीरदां दे कमेंट्स ते कमेंट आई जान डे ने कि रोंग इनफॉर्मेशन रोंग इनफॉर्मेशन। मैं उन्हों लफज़ भी नहीं कहांगा क्योंकि मेरे नज़दीक हो सकता वो इन्नी पता नहीं बेअदबी बनती है कि नहीं बनती, लेकिन अगर कोई सिख वीर इन्हें सुन डे है ना तो वो दिल आजारी हो जाएगी अगर वह समझेगा कि लफज नामुनासिब ने। वैसे मैनू बज़ाहिर नहीं लगा लेकिन मैं अपने ही कहते ने कभी भी किसी का दर्द समझना हो तो उसकी जगह पर खलो के वेखो, तो मैं तो इस नज़रिए गल करना पाया कि वेखो वो बंदा इस चीज़ का माहिर ही नहीं है, वो बंदा हिस्ट्री का माहिर है, तुम उसको हिस्ट्री से प्रोग्राम करो, तुम उन्होंने लिया के एक मजहब को डिस्कस करना शुरू कर दिता। मैं समझना वा कि मीडिया का वो वार है कि जी स्लो पॉइजनिंग जी सू घेर के लिया के तो मिस इनफॉर्मेशन फैलाई जानी या मिस इनफॉर्मेशन ना भी होवे ऐसी गल अवाम दे सामने धर देनी जिस अवाम च नफरत फैले। जिहड़ी मैं अगे गल करना है अज तो 15-20 साल पहला मीडिया आजाद सी ते असी खामोश सां, उस आजाद मीडिया ने जिहड़े नफरत दे बीज बोए ने ना वो अज तक भी असी चुगदे आ पए ते पता नहीं होर किन्ना टाइम लग जाना। जिहड़े भी संगी साथी उधरों आंदे ने ते आके एक सवाल लाजमी हुंदा है, वो चाहे मेरे कोल गैसट आन चाहे किसी कोल भी आन, तुसीं वेंदे ही होणा प्रोग्राम अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, तो एको सवाल होंगे कि यार जो तुहानू मीडिया ने दस्सिया सी क्या इत्थे उही पाया तुसां, तो हर एक का एको जवाब होंगे कि नहीं। यानी कि हजे भी कुछ चीज़ा है ने कुछ, जिस तरह मैं जिहड़े ने अपना साढ़े बड़े सीनियर साढ़े चढ़ते पंजाब के एक एंकर ने उन्होंने मैं पूरा प्रोग्राम भी किया कि उन्होंने जा इतों जाके उन्होंने जाके फिर उही गल कर छड़ी कि जी उत्थे बड़े घुट्टे ने, उत्थे बड़ा जुलम हो रहा, उत्थे इंज हो रहा, उत्थे उंज हो रहा, तो यानी मीडिया की जी वार है उन्होंने सानू बचना चाहिए, तो इस तरह के जोड़े प्रोग्राम ने इन्हें भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। हूँ उन्हों की वारदात का तरीकाकार वेखो कि उन्होंने जोड़े बंदे बोलने वाले सन ना उन्हें सारे बंद दावत दे के उन्होंने प्रोग्राम के बुलाया कि यानी ये चुप रहन ना ये ना गल कर सकन, यानी वो गल कर एक दफा सोचे तो सही ना वो मीडिया से आ गए नहीं गल कर लगे किसी भी जगह पर। वैसे उन्होंने फोन करके अपना एहतजाज करके यार रिकॉर्ड करान के तुम ज्यादा कर लो इस प्रोग्राम को रिमूव करो। अच्छा मज़ेदारी की गल वेखो कि वह साहब जो बाबा गुरु नानक के बारे दसन डे ने ना गल बात हूँ वह मुसलमान ने सही है अपना जिशान हुसैन उन्होंने नाम है भी पहले नंबर से तो मुसलमानी का पूरा पता होना चाहिए अगर तुम मुसलमान हो बुनियादी जोड़े अकायद ने बुनियादी जोड़े मजहब दीज़ा ने वो तो पता होनी चाहिए। वो जिथे गल आती है ना अपने मजहब की तुम प्रोग्राम सुनोगे तो तुम आप दसोगे कि जिथे आती है गल अपने मजहब की तो उत्थे साहब हो रही ने आई थिंक सो। अच्छा पता ना कि भाई इतने मैं कोई थोड़ी जी भी उन्नी भी की दिल से कैमरामैन ही मैं इतने टोक दे या बाहर निकल गया अवाम ही मैं फड़ लवे कि हाँ भाई
की तू गल की थी उते। अच्छा अपने बारे जो तू इन्नी एहतियात बरतन रहे हैं, मुसलमान पहले नंबर से तेनों लफज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई थिंक सो तेनों 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी तू गल कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान है तू। लेकिन दूसरे के बारे तू इन्नी जरूरत करी जान रहा कि तू वो सवाल करना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो एक उनका जो फलसफा था वो बुनियादी तौर पर फिलासफर थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, वहाँ पर ऐसे किया, तो हर चीज़ अपनी अकल के मुताबिक जो सुनी सुनाई है वो तू अगे दे जाना पाया। भाई तेरे नज़दीक हो सकता वह एन जी हो, लेकिन एक चीज़ में गौर करो कि एक वो बाबा गुरु नानक जड़े ने फाउंडर ने एक मज़हब के, उन्होंने फॉलोअर्स पूरी दुनिया च पाए जाते हैं, उन्होंने फॉलोअर्स नाल साडा डायरैक्ट कंसर्न है, साडे पंजाब दा बार्डर उन्होंने अद्ध पंजाब च वो ने, उन्हें वो इधर उन्होंने आना है, इधर उन्होंने जाना है, एक घर वाली गल है, ये आन जान लांघे खुलन डे ने, असी होर पासे टुरी जान डे हैं, तो मीडिया नूं इस चीज़ जिवें उधर उन्होंने वो एक्टिव रहिंदे ने ना, वो सांझा पंजाब एक वीडियो फिल्म बनी तो उन्होंने दस्ती ब्लॉक मारिया इंडिया दे विच, इस तरह मीडिया इधरों भी घट नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसी कि इस प्रोग्राम नूं रिमूव करना चाहिए, जिहड़े जिहड़े साथी भी आ वीडियो सुनते ने पे उन्होंने जरूर ये अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। ठीक है, उस प्रोग्राम का जिहड़ा मैं जिक्र रेफरेंस दे रहा तुसी सर्च कर लिया जी यूट्यूब पर, बड़ा मशहूर चैनल है जिन्होंने 3-4 अपने पार्ट्स बनाए ने पंजाबी दे नां तों, डिजिटल दे नां तों, पॉडकास्ट के नाँ के उन्होंने ज़िशान हुसैन साहब का प्रोग्राम है। ज़िशान हुसैन साहब ना माजरत नाल हो सकता तुहानू इस मामले की हसासीयत का ना पता हो क्योंकि तुसी इस मामले के मासूम ही लगे हो क्योंकि तुसी जदों अपने इस्लाम की गल आ रही है तो वह भी तुहानू सही तरीके नाल नहीं पता, तो तुसी उत्थे भी यही कह रहे हो आई थिंक सो इस तरह हो सकता, आई थिंक सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये, अगर मैं वही अपने मामले तो इन्ना मुहतात चलन है तो उन्होंने मामले के तू इन्ना बेबाक हो के चलन रहा, तो लिहाजा यह प्रोग्राम मेरा जिहड़ा अज दा रिकॉर्ड कराने का मकसद यही सी कि सानू अपने अपने ताई इत्थे आवाज़ चुकनी चाहिए है। तो इस वीडियो बनाते अगर मेरे को गलती कुताई हुई हो तो मैं जनाब तुहाडे कोल एडवांस माजरत चाहना, तो अपनी राय का जरूर कमेंट राय इजहार करया करो ताकि सानू भी पता लगे कि असी जो वीडियो या जो पैगाम दे रहे हैं वो ठीक भी है या साढ़े च भी कोई गलती है, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंद का आईना होंगे, तुसी ही इनू दसना तो असी जरूर वो अपनी सलाह करांगे। नए ब्लॉग च नई गल्लां नाल फिर मुलाकात होगी, रब रखा।